हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। आई होप सो आप लोगों को पसंद आए। और ये है तीज स्पेशल मेकअप लुक। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नीम एंड तुलसी टोनर, और ये टोनर बहुत अच्छा है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए बेस्ट है। और इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसको अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ रोज़ हिप का रेडियंट ग्लो फेस सीरम। ये फेस सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है। और सबसे अच्छी बात के है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप इसको परचेस कर सकते हो। मैंने इसको पर्पल से मंगाया था। और इस तरीके से 2-3 ड्रॉप लेके अपने पूरे फेस पर इसको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ वही एन बाय वेक का प्राइमर, और ये प्राइमर बहुत अच्छा है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। और इसको भी मैंने पर्पल से ही परचेस किया था, तो इसको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर ब्लू हेवन का फाउंडेशन। ये अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है इसकी, मीडियम कवरेज है, बट ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए तो उसके लिए अच्छा है ये फाउंडेशन। और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना आई मेकअप। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर अपने आईलिड पर कंसीलर और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको कर लूँगी ब्लेंड। उसके बाद मैं इसको सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसकी हेल्प से मैं अपने आई बेस को कर लूँगी सेट। उसके बाद मैं ये शेड ले रही हूँ, इसको आप लाइट ऑरेंज शेड बोल सकते हो। उसको लगा लूँगी अपनी क्रीज एरिया पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ पिंक शेड, और उसको भी मैं अपनी क्रीज एरिया पर लगाने के बाद दोनों कलर को अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। एंड उसके बाद मैं अपने आईलिड पर लगा रही हूँ कंसीलर, और इसके ऊपर लगाऊंगी ग्लिटर। और ये जो आईलाइनर है ये NYV का, ये अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी बट अच्छा लाइनर है ये। और अगर आप विगनर्स हो तो आप जेल आईलाइनर का यूज़ कीजिए, या फिर स्केच जो आईलाइनर रहते हैं वो यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल, और ये है लैक्मी का काजल। ये काजल मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत अच्छा काजल है ये। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरी ब्लैक है तो मैं बहुत ज़्यादा फील नहीं करती हूँ। बस उसके बाद मैं हल्की फुल्की डार्क सर्कल है मेरे को, उनको हाइड करने के लिए मैं लगा रही हूँ कंसीलर, और इसको ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। और उसके बाद मैं अपने फेस को भी कर लूँगी सेट कॉम्पैक्ट से।
बहुत इजी होता है, तो बस मैं हल्की हल्की। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।